साहब, मेरी टेस्टिमोनियल है और बहुत बड़ी टेस्टिमोनी है। वो ये है कि मेरे भाई का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा है। आपसे बात कर रही थी, उसको बहुत पेन था, गॉल ब्लैडर में स्टोन गॉल ब्लैडर स्टोन था। तो जी, तो आपसे बात कराई तो वो बहुत पेन में था। आपने उसको बोला कि चंदा, जितनी जल्दी करा सकते हो ना ऑपरेशन कराओ, कल के कल ही निकाल दो इसको, ना निकलवाओ। तो उस वक्त तो वो बहुत पेन में था, तो पर उसने अपना टाइम बना लिया। उसने ये सोचा कि हाँ, मुझे कल के कल ऑपरेट कराना है। लेकिन वो शुगर पेशेंट भी है, वो उसको बीपी का इशू भी है। तो आपसे बात करने के बाद उसने माइंड सेट किया, वो उसको नींद आ गई, वो सो गया। वो उठा और उसने अपने सारे टेस्ट कराए। उसका शुगर ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल था। उसका बीपी नॉर्मल था। जब वो सारे रिपोर्ट्स और सारे टेस्ट करा के डॉक्टर के पास गया कि मुझको निकलवाना है ये गॉल ब्लैडर आज के आज ही, तो डॉक्टर ने जब देखा कि पेशेंट इतना कहते ना प्रिपेयर होके आया है, सारे टेस्ट भी कराए हैं, टेस्ट भी क्लियर हैं, तो उन्होंने देन एंड देयर उसको ऑपरेट कर दिया। हमें पता ही नहीं था कि उसने ऑपरेशन करा लिया। हमें 2-3 घंटों बाद छोटे भाई ने कॉल करके बताया कि ऑपरेशन हो गया है। तो वो खुद बता रहा था, वो उसने मुझे कॉल की और कहा कि शाह साहब को मेरी तरफ से बहुत थैंक यू बोलो और उनको बताओ कि मैं जिस जिस स्टेप की तरफ बढ़ा हूँ वो बहुत ही स्मूथली होता गया है। चाहे मेरी रिपोर्ट्स थी, मेरा ऑपरेशन था, हर चीज मेरे जाने से पहले तैयार थी। मैं जो डॉक्टर को बोल रहा था वो एग्री कर रहा था। और पहले उन्होंने नंबर दिया इसको 18 के, 18 ऑपरेशन के बाद आपका ऑपरेशन होगा। और अचानक से उन्होंने कहा कि बस आप जाएं अपने पेरेंट्स से मिल लें, उनको बता दें कि आपका ऑपरेशन है, तो 3 घंटों बाद आपको ऑपरेट कर देंगे और ये निकाल देंगे। तो मतलब वो खुद कह रहा था कि इतना अमेजिंगली हर चीज इतनी स्मूथली हुई है, बहुत आराम से हुई है, कोई इशू नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई, पैनिक क्रिएट नहीं किया, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं थी, हर चीज स्मूथली काम डाउन हो गया ऑपरेशन।